सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। चाणक्य इसमें कहते हैं, गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रास्त्यजन्ति यजमानकम्, प्राप्त विद्या गुरुम शिष्यः दग्धारण्यम मृगास्तथा। अर्थात दान दक्षिणा पा लेने के बाद जो विप्र है वह यजमान को छोड़ करके चला जाता है, विद्या पा लेने के बाद शिष्य गुरु को छोड़कर चला जाता है, जंगल में आग लग जाए तो मृग जंगल को छोड़कर चला जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं चाणक्य यहाँ पर? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई तभी तक टिका है किसी के यहाँ जब तक उसका उससे कुछ काम सधरा है, उसका कुछ उल्लू सीधा हो रहा है, उससे उसको कुछ प्राप्त हो रहा है, उससे उसको कुछ लाभ हो रहा है, तभी तक कोई टिका हुआ है, अन्यथा लोग छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ लाभ नहीं हो रहा है, वहां कोई रहना नहीं चाहता है, तो विप्र भी घूमता रहता है यजमान के इर्द गिर्द तभी तक जब तक उसको दक्षिणा नहीं मिला। जहां दक्षिणा पाया कि वो अपना फिर योजना बनाने लगता है कि चलो अब कहीं और चल चलें, दूसरे यजमान के यहाँ चलें, वहाँ कुछ कमा लिया जाए। उसी तरह जो शिष्य है वो गुरु के पास तभी तक घूमता रहता है जब तक उसको कुछ विद्या मिलती रहती है। विद्या जहाँ मिलनी बंद हुई तो गुरु भी जो है देखता रह जाएगा, शिष्य छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए कुछ गुरु क्या करते हैं कि विद्या देने में ही बहुत देरी करते हैं कि इसको फंसाए रखो तो ये लटका रहेगा, अगर इसको सारी विद्या दे देंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो जिसको इसका डर होता है शिष्य के चले जाने का तो गुरु विद्या देता ही नहीं है। और जो शिष्य होता है वो भी इसी फेद में होता है कि जितना जल्दी सीख ले और उसके बाद जो है अपना कहीं और देखें, दुनिया बसाएं, वो खुद गुरु बनेगा कहीं, तो ये चलता है। तो अगर गुरु के पास अथाह विद्या है तो वह शिष्य को उम्र भर थाम लेता है, क्योंकि वह कितना भी देता है विद्या उसकी बढ़ती ही जाती है, उसकी बहुत ज्यादा विद्या होती है, तो फिर शिष्य नहीं जाता। लेकिन अगर उतनी विद्या नहीं है तो वो चला जाएगा। जितनी विद्या थी पा लिया फिर गया। इसी तरह से मृग के विषय में बता रहे हैं कि वन में घूमता है, चरता है, लेकिन वन में आग लगती है तो वन छोड़ के भाग जाता है। क्योंकि वहां उसका मतलब अब सिद्ध नहीं हो रहा है, तो जहां मतलब सिद्ध हो रहा है जिस वन में, उस वन में चला जाएगा, इस वन को छोड़ देगा। कहने का तात्पर्य यहां पर चाणक्य का यही है कि
इस दुनिया में संबंध जो है वो मतलब से है, और जब तक आपके पास कुछ देने की क्षमता है तभी तक कोई जो है आपके पास टिका है। अगर देने की क्षमता नहीं है तो छोड़ के चला जाएगा। तो दुनिया का जो क्रूर चेहरा है, जो वास्तविक चेहरा है, वह दिखलाया है। चाणक्य यहां प्रेम को नहीं दिखा रहे हैं, व्यावहारिक जीवन को दिखला रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि यहां जो है ये प्रेम मतलब का प्रेम है, उसके पीछे वो सब जो प्रेम दिखता है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मतलब छिपा होता है। यथार्थ दिखाने में चाणक्य के बिजोड़ है, तो वे यथार्थ दिखला रहे हैं, संबंधों के यथार्थ को दिखला रहे हैं। तो अपने को इतना योग्य बनाएं कि आपके पास कुछ हो देने के लिए किसी को, तो ही तो आप के संबंध मधुर बने रहेंगे, तो ही जो है लोग आपके पास आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप कहोगे कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया, छाती पीटोगे कि छोड़ दिया, तो आप दूसरों को दोष दोगे, लोगों को छोड़ दिया। लेकिन यही तो दुनिया की रीत है, यही तो नियम ही है, छोड़ ही देंगे। इसीलिए अपनी क्षमता, अपने हुनर, अपनी योग्यता, अपनी विद्या, अपनी कलाओं को विकसित करते रहिए, अपने बल को विकसित करते रहिए। आपके पास जो होगा वही लेने तो कोई आएगा। अगर आपके पास सिर्फ दुख दुख होगा, सिर्फ शिकायत शिकायत होगी, तो उसको लेने कौन आएगा, कोई लेने नहीं आएगा। फिर बैठ कर के अकेला अवसादग्रस्त होकर के दारू पी करके और अंत में मर जाना पड़ेगा। हरिओम।